हाँ दोस्तों, तो बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है। बिहार दरोगा यानी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 126 दरोगा की बहाली आई है। आज उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं पहले विस्तार से आपको बता देना चाहता हूँ कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 126 दरोगा की बहाली। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं इसमें पूरी विस्तार पूर्वक बिहार दरोगा बहाली की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या, इसकी योग्यता है क्या, इसका उम्र है, किस तरह से परीक्षा होंगे, परीक्षा के पैटर्न क्या होंगे, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया हुआ। आप इसको अंत तक और पूरा तरह से देखें। निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक उत्पाद एक्साइज सब इंस्पेक्टर की बहाली की जाएगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने शनिवार को 126 पदों के लिए कोटिवार विज्ञप्ति जारी कर दी है, यानी इसका नोटिफिकेशन भी शनिवार को जारी किया जा चुका है। 1 जनवरी 2018 से पहले स्नातक ग्रेजुएशन कर चुके युवा को 30 जून 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस सेवा आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आवेदन एवं भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आयोग के वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर दी है, तो आप इस वेबसाइट पर जा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली में जो है स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, पोते, पोतियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसका जो लिखित परीक्षा होगा वो 3 चरणों में किया जाएगा। ये जो बिहार दरोगा का जो मद्य निषेध का दरोगा का जो बहाली है वो 3 चरणों में उसकी होगी। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा प्रारंभिक पीटी होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव में एक गलत उत्तर पर 0.2 अंक कटेंगे। उत्तर पुस्तिका के 2 प्रतियों में होगी, एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। एक जो प्रति होगी वो आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। 30% से अधिक अंक लाने पर दे पाएंगे मुख्य परीक्षा। आवेदन करने के बाद 2 चरणों में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से जुड़े 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हल करने का समय 2 घंटा होगा। यानी जो विगत दरोगा का एग्जाम हुआ है सेम वही पैटर्न है। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30% से अधिक अंक लाने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी, जिसमें रिक्तियों के सापेक्ष 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में होंगे 2 प्रश्न पत्र। जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे, मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होगा। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा। इसमें 200 अंक के 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे। इसमें प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जुड़ेंगे, वो ओनली क्वालिफाई होगा। दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता की होगी। पूर्णांक 200 और समय अवधि 2 घंटे होगी। इसमें सफल होने पर उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार होगी और इसमें रिक्तियों के सापेक्ष 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा और वह शारीरिक दक्षता में शामिल होंगे। तो अभ्यर्थियों की आयु की सीमा गणना मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर 1 जनवरी 2018 से की जाएगी। सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 37 ईयर। बीसी एवं ईबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। सामान्य बीसी और ईबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र में 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार से एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए भी छूट दी गई है। तो ये रहा मद्य निषेध विभाग में आई दरोगा परीक्षा की पूर्ण विवरणी। और आप यदि सविस्तार जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ आयोग का वेबसाइट का। आप वहाँ से जाकर पूर्ण पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर आप देख सकते हैं और रिक्तियों की संख्या भी दे सकते हैं। तो जैसे ही कोई और न्यूज होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई न्यूज आती है मैं तुरंत उसको वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो आप यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास सूचना चली जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।